खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करने और खेलों को प्रोत्साहित करने में नीमच की सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब कराटे के क्षेत्र में नीमच के सीआरपीएफ जिम्नेशियम हॉल में प्रशिक्षित बच्चों ने उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया है। हाल ही में उदयपुर में सम्पन्न हुई नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में यहाँ के खिलाड़ियों ने काता और कुमीते में 42 मेडल प्राप्त कर नीमच का नाम देश स्तर पर रोशन किया है। तेंशिन कान कराटे एसोसिएशन चैंपियनशिप में मीरा थापा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित नीमच के 5 वर्ष से अधिक आयु के 26 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 12 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में नीमच से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को सीआरपीएफ के फैमिली वेलफेयर सेंटर हॉल में क्षेत्रीय कावा अध्यक्ष रेबेका एम सिमटे ने मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर मोना सिंह, देवजानी बोरो, डॉक्टर नीलम चंचल, सरिता नेगी, सरिता कुमारी और मीरा थापा उपस्थित रही। खास तौर पर उल्लेखनीय है कि मीरा थापा अभी तक 10,000 से अधिक खिलाड़ियों को कराटे का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। उन्होंने सेल्फ डिफेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा खिलाड़ियों को कई अन्य विधाओं में पारंगत किया है। खास ये खास का कैसा बोलोगे कैसे है तो ये कभी ये कराते हैं से हमारा नीमच सेंटर जीसी नीमच कभी हुआ नहीं था, तो हमने सोचा था हमारा बच्चा को भी बाहर जाना ना पड़े और इधर होके सबको सुविधा मिल जाए। एंड वी अलाउ इवन आउटसाइडर आल्सो टू कम एंड पार्टिसिपेट एंड जॉइन। बच्चा ने टोटल है 39 में जीता था, गोल्ड में 12, सिल्वर में 12 एंड ब्रॉन्ज में 19 जीता है। And it is just only not even 1 year, within 1 year, बहुत progress हुआ है। And because of Mrs. Thapa, he has been taking क्या बहुत इनिशिएटिव लेके अपना सारे डिवोट करके कराया। क्या विशेष आपकी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैं तो यही बोलूँगी, देखो everything, एवरी लाइन हैज अपॉर्चुनिटी। सीआरपीएफ बच्चों की एक्टिविटी को लेकर लगातार किस प्रकार की कार्रवाइयाँ या किस तरह की प्रतियोगिताएँ करवाता है? सीआरपीएफ तो बच्चों की क्या क्या एक्टिविटीज होती है? एक्टिविटीज तो जी सब होता है, जैसे फुटबॉल है, स्विमिंग है और पेंटिंग है और पोइट्री राइटिंग भी, पोइट्री राइटिंग भी होता है। ये सारे तो चलते रहते हैं जो भी एक्टिविटीज है। नीमच डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और तेंशिन कान कराटे एसोसिएशन मध्य प्रदेश की स्टाइल चीफ हूँ प्लस जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मेरे अभी बच्चे गए थे नेशनल के लिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद जो बहुत बड़ा बिग थैंक्स डीआईजी मैम को देना चाहूँगी। कारण क्या है कि पहले हमारे पास कोई भी प्रॉपर जगह नहीं थी, हमारे पास टेरेन नहीं था कि हम कहीं बच्चों को ओपन में मंदिर में कहीं कहीं कराना पड़ता था। यहाँ हमें इन्होंने मैम ने जब से जगह दी तो हमारे बच्चे बहुत वो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। पहले हम लोग नेशनल खेलने गए थे फालना, तो उस टाइम 54 मेडल्स लगे थे और ऑलराउंड बेस्ट भी हमारा और इंडिया में फर्स्ट पोजीशन लगा था। तो बिकॉज ऑफ मैम की वजह से क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें जगह दी, इतना अच्छा टेरेन है, इतना खेलने के लिए बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, मैट है, सब अभी कुछ है। क्या अवसर रहा है? अभी हमारा तेंशिन कान का नेशनल था जो कि उदयपुर था, उदयपुर में था 8-9 तारीख को था। इसमें हमारे 12 गोल्ड लगे, 12 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज लगे हैं और सेकेंड पोजिशन लगा इसमें हमारा। अभी यहाँ पे जो कराटे में मतलब 15 राज्यों के बच्चों ने भाग लिया था और जो मेन इवेंट हुआ वो उदयपुर में हुआ, उसमें से 42 मेडल्स आए हमारे सीआरपीएफ के बच्चों को, जो कि बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और हम काफ़ी इनको मैम के जो कावक की प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रू और इनको काफ़ी इनिशिएट कर रही हैं मैम, और हम लोग सारे मैम के साथ बच्चों को भी सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और इसका मतलब अगले और से और मेडल ज़्यादा आए उसके लिए सबको मैम की तरफ से प्रोत्साहन। ये लगभग हमारे जो है यहाँ से 50 स्टूडेंट्स थे कराटे वाले और 22nd नेशनल इवेंट था ये, और इससे पहले भी हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवरऑल चैंपियनशिप जो है नीमच को ही मिला था, तो उसी तरह से इस बार भी इन्होंने उतना ही लेवल का जो प्रदर्शन था वो दिखाया, और ये बड़ी खुशी की बात है नीमच के लिए और सीआरपीएफ के लिए तो है ही है, क्योंकि ये श्री एसएलसी को डीआईजी पीजीसी नीमच और श्रीमती रेबेका सिमटे क्षेत्रीय कावा अध्यक्षा के
सानिध्य में उनके दिशा निर्देश अनुसार हम लोग सीआरपीएफ कैंपस में ये सब एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये तो एक हिसाब से परमानेंट टाइप का हो गया, हमने यहाँ पे इनको एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे बच्चे आ कर के शाम को 2 घंटा एकदम रिग्रेस प्रैक्टिस करते हैं और ये फिर रिजल्ट आपके सामने है। इसके लिए मैं थापा मैडम और इनकी पूरी के बच्चे हैं, जो भी बाहर के बच्चे आते हैं उनके पास जो रूटीन इनके बच्चे सीखने आते हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, उनको भी अलग। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह नेगी है। प्रीति रात्रा में सिंबल और सोमंदिर में कोर्ट।